राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंची, जहां पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना के बापू सभागार में बिहार सरकार के 4th कृषि रोड मैप का विधिवत शुभारंभ करेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमिंदर साहिब में भी मत्था टेका। बुधवार को राष्ट्रपति ने पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, जबकि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के द्वारा कई गणमान्य लोगों को भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं इसके बाद गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने चौपर से मोतिहारी जाएंगी, जहां वे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही 19 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। इसके अलावा 20 अक्टूबर को वो गया जाएंगी, जहां दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। बिहार दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर 4 महीने पर बिहार आने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का गृह राज्य उड़ीसा भी कभी बिहार के साथ ही था, इसीलिए बिहार भी उनका राज्य हुआ। वहीं इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार में उनके पूर्वज रहते थे और यहाँ की मिट्टी से उनका पुराना नाता है, इसीलिए बिहार भी उनका राज्य है और वो भी बिहारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के लोगों को अपना भाई बहन बताते हुए कहा कि वह आगे भी यहां आएंगी और बिहारी होने के नाते वह भी चाहती हैं कि राज्य का पूरा विकास हो। वहीं बिहार के कृषि रोडमैप का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वो किसान की बेटी हैं और कृषि रोडमैप की सारी जानकारी उन्हें भी लेनी है, क्योंकि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो खुद अपने गाँव जाकर खेती करेंगी। भागलपुर समीक्षा भवन में बुधवार को जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सांसद अजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की उद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में ली गई कुल 102 योजनाओं में से 100 योजना पूर्ण कर लेने की बात बताई गई, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना SC के अंतर्गत सभी 5 योजना को पूरा कर लेने की बात कही गई। वहीं नवगछिया कार्य प्रमंडल ग्रामीण कार्य विकास द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में ली गई योजनाओं में से 37 योजना को पूर्ण कर लेने की बात बताई गई। इसके अलावा बैठक में PHED द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर बताया गया कि पुराने चापाकल के स्थानों पर PHED पूर्व एवं पश्चिम में कुल 72 चापाकलों का संस्थापन कराएगा, जबकि समेकित रूप से कुल 1372 चापाकलों का मरम्मती कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इधर जीविका द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में जीविका द्वारा परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त सदर अस्पताल भागलपुर, अनुमंडल अस्पताल नवगछिया, अनुमंडल अस्पताल कहलगांव में दीदी की रसोई का संचालन किए जाने की बात सामने आई, जबकि इसके अलावा जीविका दीदी द्वारा मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और किराना दुकान संचालन का कार्य भी करने की बात सामने आई है। इस दौरान मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने भी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए, जबकि सांसद ने DM समेत तमाम पदाधिकारियों को सभी सरकारी योजनाओं का संचालन तेजी से कराने का निर्देश दिया। भागलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय सभागार में बुधवार को दुर्गा पूजा महासमिति चैम्बर के पदाधिकारियों और मेड़पतियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया ने की, जबकि संचालन महासचिव पुनीत कुमार चौधरी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दुर्गा पूजा मेला, प्रतिमा विसर्जन और इसके रूट के अलावा बिजली आपूर्ति को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा और विचार विमर्श किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवसायियों के अलावा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए, जिससे प्रशासन के साथ मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न कराया जा सके। वहीं दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष अभय कुमार घोष सोनू ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से असमय प्रतिमा विसर्जन, लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने, शहर की साफ सफाई व्यवस्था, विसर्जन में अश्लील गाना बजाने पर रोक और मेला के दौरान व्यवसायियों को होने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। अभय घोष ने कहा कि 25 अक्टूबर की दोपहर विसर्जन शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है और विसर्जन रूट के अलावा किसी भी मार्ग या इलाके में बिजली नहीं काटा जाएगा। इसके लिए DM और बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की जाएंगी,
जबकि प्रत्येक वर्ष प्रतिमा विसर्जन के नाम पर घंटों बिजली काट दी जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ व्यवसाय और घरेलू कामकाज भी बाधित होता है। साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने और शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर से उचित पहल करने की बात कही गई। मौके पर जयनंदन आचार्य, विनय कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार, शंकर राय, डॉक्टर वीना यादव, संगीता तिवारी, दीपक कुमार शर्मा, रामगोपाल पोद्दार समेत काफी संख्या में व्यवसायी, पूजा समिति के पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। अश्विन मास में मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कुष्मांडा देवी की पूजा की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि भी नहीं थी तभी सिंह पर सवारी करने वाली कुष्मांडा देवी ने अपने मंद मुस्कान और तेज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, जिस कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा देवी रोग, शोक और कष्ट मिटाने वाली है, जो कमल पुष्प के साथ कमंडल, अमृत कलश, धनुष बाण, चक्र और गदा धारण करती हैं। देवी दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप को कोहड़े की बलि अति प्रिय है और शरणागत वत्सला ये अष्टभुजा देवी आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी है। माता कुष्मांडा अच्छे स्वास्थ्य के साथ आयु, यश और बल की वृद्धि करने वाली है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां और निधियों को प्रदान करती हैं। वहीं तेज की देवी कुष्मांडा की पूजा जिले के सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडाल के साथ घरों में भी भक्तिभाव से मंत्रोच्चार और दुर्गा सप्तशी पाठ कर की गई। इधर दुर्गा पूजा के विशेष आयोजन सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी पूजन को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में प्रतिमा के साथ भव्य पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं बांग्ला पद्धति से पूजा होने वाले दुर्गा मंदिरों में षष्ठी तिथि को ही माता का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी पंडाल और मेला की तैयारी को अंतिम रूप देने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर के मालवाड़ी पाठशाला परिसर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल, मुंदीचक दुर्गा मंदिर और गड़ैया दुर्गा मंदिर समेत कालीबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, कचहरी चौक, भिकनपुर, आदमपुर चौक, मिर्जान समेत विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों द्वारा पंडाल निर्माण अंतिम चरण में है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम आर के सिंह है और मैं बरियातू रांची का रहने वाला हूँ और मुझे 4 साल से डायबिटीज था। जीटामेट प्लस दवा खाते थे, जीटामेट 2000, और यही खा करके कंट्रोल किए हुए थे। फिर जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, एक्चुअली हमारे कलीग, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग यहाँ इलाज करा रहे थे, तो उन्होंने बहुत फ़ायदा हुआ था। तो वही हम भी ट्रायल में आए थे, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था पहले, तो ट्रायल में आए तो जब यहाँ का दवा हम खाए, जो इन लोग परहेज जैसे बताए कि, तो 1 महीना के बाद ही मेरा डाउन होने लगा। और तो 2 महीना से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे सब दवा छूट गया। पहले अंग्रेजी दवा छूटा, और अंग्रेजी दवा को पहले पावर कम किए डॉक्टर, और उसके बाद फिर पूरा दवा छूट गया इंग्लिश, और एलोपैथ दवा छूटने के बाद सिर्फ ये इनका दवा चला, और 2 महीना से इनका दवा भी नहीं चल रहा है। और मेरा शुगर अभी 122 है, खाना खाने के बाद, चावल वगैरह सब, चावल, आलू का सब्जी, चोखा सब खाने के बाद भी मेरा 122 है पिछले सैटरडे का रिपोर्ट, और इसके पिछले हफ्ते का था 128। तो मेरा रेंज में रह रहा है, मतलब 130 से ऊपर नहीं जा रहा है पूरा खाना खाने के बाद भी। भागलपुर के खरमन चौक स्थित आबकारी गोदाम में बुधवार की शाम अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। इस दौरान उत्पाद विभाग के समक्ष लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं आग लगने की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शराब विनिष्टीकरण के दौरान गोदाम परिसर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि थोड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा गांव की महिला से दबंगई करने का मामला सामने आया है। घटना थाना क्षेत्र के तेलौंदा पंचायत अफजलपुर गांव की है, जहां एक महिला और एक नाबालिग बच्ची के साथ दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए जबरन उठक बैठक कराया।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि महिला एवं नाबालिग बच्ची ने वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के तेलहंदा बहियार स्थित धान के खेत से घास काटने के दौरान धान काट लिया था, जिसको लेकर वीरेंद्र सिंह ने महिला एवं बच्ची को खेत में पकड़ लिया और सजा के तौर पर उठक बैठक कराते हुए उसका वीडियो भी बनाया। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को दबंगों द्वारा इलाके के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया, जिसमें महिला अपनी गलती के लिए वीरेंद्र सिंह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती दिखी, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने महिला की एक नहीं सुनी और दबंगई दिखाते हुए उठक बैठक कराया। महिला अपनी जीविका के लिए बकरी पालती है और इसी को लेकर वह चारा लाने के लिए खेत गई थी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में बिहार सरकार के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा दो पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला जनसंवाद कार्यक्रम मसदी पंचायत के मनरेगा भवन में आयोजित हुआ, जबकि दूसरा जनसंवाद वीरखुर्द के पंचायत भवन में किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार ने किया। मसदी पंचायत एवं वीरखुर्द पंचायत में सभी पदाधिकारियों के द्वारा बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद के दौरान योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने सभी ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की बात कहते हुए उन सभी की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान सुल्तानगंज BDO, CO, राजस्व पदाधिकारी और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे।